चलो लौट चले उस मिट्टी में जिससे थे हम बने, वहाँ हाथ बढ़ा के भूले बिसरे लोगों से मिले, जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी रीत मिलेगी रंग मिलेंगे नए। ये है इंडिया मेरी जान, ओनली ऑन डीडी भारती। पॉलिटिकल दबाव में आए, जिस तरह से फ्रांस में सिविल सर्वेंट्स वहां की सरकार चलाते हैं ना, उसी तरह से हम यहां की सरकार चलाते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आई, लेकिन साहब पावर तो हमेशा हमारे ही साथ रही। सर वैसे तो मुझे कुछ ही महीने हुए आईएएस में आए हुए, लेकिन मैं आपके और पापा के बनाए हुए ट्रेडिशंस पे चल रहा हूं। 3 बार ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैंने कॉपी साइन करके वापस भेज दी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून के खिलाफ। आपको डर नहीं लगा कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या फिर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है? आईएएस की एक अहमियत है जो आपके और मेरे पापा ने कायम की, मैं उसे कायम रखना चाहता हूं चाहे कुछ भी अंजाम हो। तुम देखना सपना, धीरज की यही स्पिरिट एक दिन उसको बहुत ऊपर ले जाएगी। अरे तुम क्यों खामोश बैठी हो सुनीता? अच्छा तुम बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि धीरज एक ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर है? बिल्कुल नहीं लगता। हाँ? बल्कि यूं लगता है जैसे इसके आईने में आप अपने को देख रहे हैं और आप फिर से जवान हो गए। मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए पापा के चेहरे पर कितनी रौनक आ गई। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। अरे पागल, सिर्फ थैंक यू से काम चला लू? भाई किसी दिन धीरज को खाने वाले पे बुलाओ ना। क्यों सुनिए, बिल्कुल किसी दिन आओ डिनर पर, मेरी सपना बहुत अच्छे कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाती है। जी जरूर आऊंगा। अच्छा सर मैं इजाजत चाहूंगा, पापा ने सही कहा था, आपसे मिलकर मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा एंड आई गॉट दैट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा नमस्ते। अरे सपना बेटी छोड़कर आओ, जाओ। हाँ जाओ जाओ। अच्छा जरूर आऊंगा। क्या ख्याल
क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी काम करो, क्या बारात आने के बाद मेरी तैयार होगी? तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो छोटा सा झूठ बोलकर मेरी मदद की है, मैं जिंदगी भर आपके एहसान तले दबा रहूंगा। आप अगर मेरी मदद न करते तो सपना इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होती। आपका ये छोटा सा झूठ के मेरी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, काम आ गया। कहने को तो कह दिया कपूर साहब, पर रह कर यही ख्याल आता था सपना बेटी इस शादी से खुश होगी। आपने देखा नहीं, बहुत खुश है, चेहरे से जाहिर हो रहा है। अरे हाँ आइए, मैं अपने हमजुल्फ से मिलाता हूँ। आप बताइए कुछ खाना चाहिए या? रंजना बेटे जाकर देखो सपना तैयार हुई कि नहीं, बारात आ गई है। अच्छा, तो संजना अमर, रंजना किसकी शादी हो रही है? आज सपना की शादी है। सपना की? आज ही मेरा सिलेक्शन हुआ, आज ही मुझे लेटर मिला और आज ही उसकी उसकी शादी। निधि जानवी क्यों नहीं आई? भैया को छुट्टी भी नहीं है ना, इसलिए। सपना जल्दी करो, बारात आने वाली है। बिटिया, नाम धीरज सियाल है, मेरे नाम से एक हनीमून स्वीट बुक हुआ होगा। जी यस, रूम नंबर 108। थैंक यू। सामान ले लीजिए। मैडम मैं बना दूं? अनिल मैं बना लूंगी, दरवाजा बंद कर देना। आइए, चाय आ गई। चाय आप पी लीजिए, मुझे देर लगेगी। नहीं, साथ पिएंगे, बाद में नहा लेना। फिलहाल तो बंदा शेव कर रहा है, जहां तक नहाने का सवाल है तो बदमाश। हाय डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, मैं बोल रही हूँ रंजना। क्या हाल है मेरी हनीमून स्वीट वाली के? सब ठीक है। ठीक है? अरे जब ठीक का उल्टा होना चाहिए और वर्ल्ड अपसाइड डाउन होना चाहिए, तू कह रही है सब ठीक है? वो क्या शेर था? हाँ,
तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, जरा हमें भी सुनाना वो अफसाना। और अगर तू नहीं सुनाना चाहती तो मेरे जीजा जी को फोन दे दे, वही सुना देंगे। अरे वो तो बाथरूम में है, नहा रहे है। बाथरूम में? तो तू तो उठ के बाहर के सुहाने मौसम का मजा ले। अरे भाई तुम किसी हनीमून स्वीट में हो या ज्वाइंट फैमिली के घर में, जहाँ मियाँ बात ले रहा है और बेचारी बीवी सास के पैर दबा रही है। अच्छा अब तू बकवास बंद कर और ये बता फोन क्यों किया। यार तुझे बताना था कि अमर का बीबीसी में सिलेक्शन हो गया है, वो लंदन जा रहा है। तो? बेचारे को अपॉइंटमेंट लेटर उसी दिन तो मिला जिस दिन तेरी शादी थी, वही तो बताने आया था तुझे। चलो तैयार हो जाओ फिर बाहर चलते। मुझे नहीं आ रहा। चलो ना यहाँ बोर हो गए हम लोग, कम ऑन गेट अप। ओके सर, आपके दफ्तर के 3 फोन आए थे, कोई मिस्टर सक्सेना आपसे जरूरी बात करना चाहते थे। सक्सेना? सपना कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। सक्सेना मैं धीरज बोल रहा हूँ, तुमने 3 बार फोन किया। क्या? लेकिन क्यों, कैसे? ठीक है मैं आता हूं, अभी आता हूं। प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। कैंसिल? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप अपना हनीमून छोड़कर जा रहे हैं? यहां मैं बहुत बोर हो गया हूं। किससे? इस जगह से। यहां ही कौन, तुम और मैं, न जान न पहचान। आपको हनीमून तक जानने वाला भी कोई चाहिए? देखो मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, एक बार जब फैसला कर लेता हूं तो क्यों और क्या नहीं होता। लेकिन मैं अपना हनीमून छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। वापस चली गई तो लोग पूछेंगे कि मैं वापस क्यों आ गई, जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। हम वापस जा रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब मुझसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि सर आप कायदे कानून से चलते हैं, हर फाइल के ऊपर आप लिख देते हैं कि यह काम नहीं हो सकता। कहते तो आप ठीक है सर, लेकिन इसका असर उल्टा ही पड़ता है, इसीलिए आपको तोड़ने के लिए एक मामूली सी बात के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई है। मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, अब क्या करें? सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक इंप्लीमेंटेशन ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट हुई है, आप वहां ट्रांसफर करा लीजिए। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? सर गवर्नर साहब आपके फादर इलाके बहुत अच्छे दोस्त हैं।
कमाल है यार, लोग जब हनीमून पे जाते हैं तो उसे लंबा करने की कोशिश करते हैं, और तू है कि उसे बीच में ही छोड़ के आ गई है। ये क्या हो गया अचानक जो तू यहाँ मौजूद? मेरी जिंदगी में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, सब अचानक ही होता है। धीरज भी अचानक मेरे घर आए, उनसे मेरी शादी भी अचानक हुई, और अमर वो भी तो मेरी जिंदगी में अचानक ही आया। पापा, डॉक्टर ठीक कहते हैं, आप यूनेस्को के कंसल्टेंट क्यों नहीं बन जाते? आप एजुकेशन और कल्चर के सेक्रेटरी रहे, आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। सपना बेटी, बीमार डॉक्टर नहीं मैं हूँ। मेरे दिल का एक वाल खराब है। कितने बरस से? 5 साल तक सेक्रेटरी रहे, दिन रात काम करते रहे, तब तो कुछ नहीं है। वेद साहब को देखिए, आपसे पहले रिटायर हुए, बीमार थे, गवर्नर बने, व्हीलर का फूल उस जैसे लाल हो गए, दुनिया जहान की चमक आ गई। भाई अब वेद साहब की तरह गवर्नर बन के व्हीलर के फूल की तरह मैं लाल तो हो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आखिरी काम है वो करता हूँ, किसी आईएएस की तलाश करता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डायरेक्टर रैंक का हो। पापा, उसका क्या करेंगे? नीता बताओ अपनी बिटिया को उसका क्या करेंगे? तेरा भाई तो आईएएस बना नहीं, अमेरिका जाकर बैठ गया, अब एक आईएएस को दामाद बनाकर टैक्सी ड्राइविंग करेंगे। बचाओ, पकड़ो, बैक करो, चलो चलो। यार तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार, कल स्कूल से हम लोग आ रहे थे, एक मारुति में लड़की आई, टक्कर मार के चली गई। वो आप थे? वो आप थी? I'm so sorry, वो क्या हुआ था कि मैं कम से कम टक्कर मारी थी, हॉस्पिटल तक तो ले जाती, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो समर का हाथ टूट गया। अमर वही तो नहीं जो युवानी में प्रोग्राम किया करता है? हाँ। कहाँ है वो? अब तो जाते हैं मैं कदे से वीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुदा हाफिज। सुनिए जी। आइए बैठिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने पहचान लिया, ये मेरा दिया हुआ है। यानी वो एक्सीडेंट आपने किया था? जी हाँ, वो एक्सीडेंट मैंने ही किया था और मैं ही वहां से भागी थी, लेकिन प्लीज आप बैठ जाइए वरना एक और एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज। चलिए शुक्रिया। ओके। अच्छा हुआ तुम एक्सीडेंट के बाद रुकी नहीं, चली गई। अगर रुक जाते ही मुझे अस्पताल पहुंचा देती तो इट वुड हैव बीन क्विट्स, हिसाब बराबर हो जाता और फिर What? फिर क्या, मुझे अस्पताल में दाखिल कराने के बाद फिर नहीं आती तुम, और तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ दिन गुजरे हैं वो भी नहीं आते। तुम समझते कि तुम्हारी सिविक ड्यूटी खत्म हो गई है। यानी आदमी को अपनी सिविक ड्यूटी खत्म नहीं करनी चाहिए। ये जब लगा था तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, तो ये जो खाली है इस हाथ पर भी लगवाना है? जरूर, लेकिन पहले ये तो उतर जाए। क्यों क्यों? अगर उस हाथ पर प्यारा लगता है तो इस हाथ में लगाने में देर क्यों? भाई मुझे तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होगी। अभी तो मैं ये हाथ तुम्हारे कंधे पर रखकर सहारा ले सकता हूँ, लेकिन अगर दोनों हाथों में प्लास्टर लग गया तो तुम्हें मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे सड़क पार करानी होगी। <थीज़। laughs>
मुझे बहुत पसंद है। इसे पीने से ना स्किन में चमक आ जाती है। कमाल कमाल, तुम भी पियो। तुम भी नहीं पी रहे, क्या देख रहे हो? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तुम बस ऐसे ही देखती रहो, चमक अपने आप आ जाएगी। एक बात तो हो अमर, तुम्हें एमए पॉलिटिक्स नहीं लिटरेचर लेना चाहिए था। सच कहती हूँ, तुम अभी भी अपने सब्जेक्ट बदल लो, यू विल बिकम द बेस्ट कॉम्प्यूटर ऑफ दिस कंट्री। आर यू श्योर? बीबीसी वाले ले जाएंगे तुम्हें। कल ही बीबीसी का एडवर्टीजमेंट आया है। उन्हें अपने कुछ हिंदी सर्विस के लिए अनाउंसमेंट की जरूरत है। उनकी सिलेक्शन टीम बहुत जल्द यहाँ आ रही है। बाय जॉब अप्लाई करो, मैं लिए जाओगे। 100%। तुम्हारा मतलब कि मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया? बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। अरे वाह, और जश्न मनाए? बिल्कुल मनाया गया। मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन अब तो बारिश है भी नहीं। स्विमिंग पूल है, इसमें कूद जाए? ये तो बिल्कुल खाली है। अरे भाई, यही तो नयापन होगा इसमें। अच्छा। कहां उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, और मिली भी तो उस दिन जिस दिन मेरी शादी हो रही थी। देर हो गई, शायद राजभवन की कॉल मिल गई। हेलो जी, हाँ, हमने ही राजभवन की कॉल मिलाई थी। जरा आप गवर्नर साहब को मिलाएंगे? जी मैं सुधीर कपूर बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आप हमारे सीनियर थे, आप गवर्नर हैं, तो जाहिर है मैं तो सर ही कहूंगा आपको। जी हाँ। सर, आपको याद होगा एक छोटा सा काम कहा था आपसे। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर भी इश्यू कर दिए। थैंक यू वेरी मच सर, माय सन इन लॉ विल बी सो हैप्पी। जी मैं जरूर हाजिर होऊंगा जी। थैंक यू वेरी मच सर। लो भाई, हो गया काम। अरे ये जरा सी बात, तुम अगर अपनी शादी नहीं कर देते तो गवर्नर सर आया कि मैं तभी बोल देता उनसे। तभी जरूरत नहीं थी, अब है। आगे बढ़ने के लिए मुझे ये पोस्ट जरूरी चाहिए थी। अब ये तो है, तुम चीफ मिनिस्टर के अंदर काम करोगे, उनके बहुत से काम तुम्हारे थ्रू होंगे, और ये एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आएगा आगे। जी थैंक यू सो मच सर। अच्छा मैं चलूं? जाओ, तुम तैयारी करो, ऑर्डर पहुंच जाएगा। जी शुक्रिया। सपना मैं जा रहा हूं, तुम आ जाना। ठीक है। पापा ये आपने क्या किया? क्या हो रहे, तुम खुश नहीं? बेटे धीरज को जो पोस्ट मिली है वो बहुत प्राइस पोस्ट है। पापा लेकिन कम से कम मुझे बता तो दिया होता, मुझे जिक्र तो किया होता। लेकिन क्यों, क्या बात होगी? वो तो हमेशा सीएम के साथ अटैच्ड होंगे, मेरे लिए उनके पास वक्त रहेगा। वक्त? अब ये तुम वक्त का रोना लेकर क्या बैठ गई? धीरज जिस पोस्ट पर जा रहा है ये देखो कि वहां पर पावर कितनी है, करियर को बढ़ावा कितना मिलेगा। लो अब गुमसुम होकर बैठ गई। पापा आपने सर्विस से शादी की है, इन्होंने भी सर्विस से शादी की है, लेकिन मेरी शादी किससे हुई है? आपने किसी के लिए तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं किया। सिंह साहब, डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के बाद स्टेट सेक्रेटरीएट में ही मेरी पहली पोस्टिंग है। उम्मीद है आप मुझे गाइडेंस देंगे, मेरी मदद करेंगे। ओह श्योर श्योर। थैंक यू। एंड प्लीज अब तुम ही संभालो इनको, मैं जरा एक शेर सुनना पड़ेगा आपको। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी फिटाई हो जाएगी, जानती हूँ किस तरह की है वो।
वैसे आप इससे पहले कहाँ रहते थे? और सर्विस हम भी करते हैं, लेकिन सर्विस हमारे लिए कोई ओढ़ना बिछोड़ा नहीं है। हमारे लिए दफ्तर का काम 6 बजे खत्म हो जाता, उसके बाद पार्टी या घर में या क्लब में। और हम तो उर्दू के शायर जौक की तरह कहते हैं कि ऐसे चेहरे हों तो दिल्ली की गलियां छोड़ के और कहीं कोई क्यों जाए। है ना, इनकी इश्कबाजी तो खत्म नहीं होती। अच्छा। हम क्या करें, हम हैं ही ऐसे, कभी तो खुश रहती हैं। धीरज भैया। अरे साला तुम कहो भाई। सपना, सपना देखो कौन है। हाय How are you? तू यहाँ क्या करी? अच्छा, अब तू जानवी के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछना, बोर नहीं करना। कैसी है? और यहाँ अचानक व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। मिस्टर नारायण आज मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मिस्टर नारायण का क्या है, तारीफ करते हो तो करते ही चले जाते, ये भी कोई ऑफिसर का स्टाइल है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें किस रंग में अच्छी लगती हूँ? मैंने तो कभी गौरी नहीं किया। तुमने गौरी नहीं किया? जब मैं वह पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनती तब? ये बटन बंद रखा करो। जाने किस दाश्त में हो गई जिंदगी, हमने ढूंढा उसे पर ना इसे ऐसे रहने दो, ऐसे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या अच्छा लगता है? तुम जब गुलाबी रंग पहनती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। एक इल्तिजा है, कहो। गुलाबी रंग मत पहना करो। यस सर वो मैंने कर लिया है, सारे पेपर लेके पहुंचता हूं। जी सर। सलीम मियां। जो जो सलीम मियां, गाड़ी निकालिए। लीजिए कटलेट खाइए। टाइम नहीं, जाना है। मैंने बनाए हैं, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। आई एम सॉरी, गॉट टू गो। मैंने ये स्पेशली आपके लिए बनाए हैं और आपको इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है, आपको मेरे सेंटीमेंट की कोई कदर नहीं है। मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है, एंड एट दिस मोमेंट ऑल दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। गुड मॉर्निंग सर। आइए धीरज बाबू। जो काम आप चाहते थे मैंने कर लिया है, उस पर ये नोट्स है, पढ़ लीजिएगा। हम नोट्स नहीं पढ़ते हैं, काम बताते हैं और ये सुनना चाहते हैं कि होगा। आप ही बताइए कि काम कब तक हो जाएगा। बस सर, रूल्स के मुताबिक। रूल्स को हम कोई मोटा बड़ा गाली नहीं देते हैं, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं
कि आप लोग 58 साल का नौकरी करते हैं और हम सिर्फ 5 साल का, और हम 5 साल में हूं करना चाहते हैं जो आप 58 साल में नहीं करने देते हैं, समझे? अब हमको हिंदी का कहावत मत बताना कि वो शहद पके सो मीठा हो, एंड अंग्रेजी का वो कहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुनिए, तुमने वो हेल्थ का वो बड़ा बाबू है ना, कहा हम आप है कोई उसको जो कुछ बोले थे वो दिन में बोल रहे हैं। विकास और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के मामले में नेचुरल डिलीवरी नहीं, सीजीरियन होना चाहिए, सीजीरियन समझा? सर लेकिन इन कामों के लिए फंड्स नहीं है। और कामों के लिए है सर, लेकिन जब ऑडिट होगा तब। अरे जब और कामों के न होने का हम जवाब देते हैं तो ही जवाब भी दे देंगे ऑडिट वाला, काटो फेरू। सर ये तो रूल्स तोड़ना हुआ। करेक्ट, वेरी करेक्ट, इसीलिए तुमको रखे हैं, समझ गया? तुम किसी खेपा उपा को नहीं रखे, इसीलिए जाइए इन सब कागजात उठा के ले जाइए और इनको ऑयल बर्न कर दीजिए, तब आपकी समझ में आएगा कि तीनों में से तेल कैसे निकलता है। का जाइए। यस सर। बुखार बढ़ रहा है, कहीं डॉक्टर का शुरुआत सही ना हो कि वायरल फीवर है। मैंने पीए को भेजा है अगर टूर कैंसिल हो जाए। शायद पीए आए। सर मैंने बात कर ली है, अगर आप कहेंगे तो टूर कैंसिल हो जाएगा। सीएम साहब के साथ मेरे स्टाफ का कोई आदमी चला जाएगा। लेकिन सीएम के साथ अकेले जाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। सर ये तो है, बात टूर में जाने की नहीं है, बात तो फॉरेन टूर पे आपको साथ ले जाने के लिए उनको तैयार करने की है।
ठीक है, आप सामान गाड़ी में रखवाइए, मैं कुछ करता हूं। पीएल हो कर आया है, सीएम नहीं मानते, मुझे जाना होगा। तो जाइए, रोका किसने है? अगर बुखार और बढ़ जाए तो अपनी मम्मी को फोन कर देना, वो आ जाएंगे। कोई आए ना आए, आप जाइए। वायरल फीवर है, घबराने की कोई बात नहीं, अपना वक्त तो ले रहे। आपने के माथे पर बर्फ की पट्टियां रखे, मैं दवाइयां लिख रहा हूं, वो देते रहिएगा। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा आप, कि रात को इनके पास कोई रहे, क्योंकि बुखार काफी तेज हो सकता है। जी, मैं रहूंगी इसके पास। ठीक। मम्मी को फोन कर दो। बिल्कुल नहीं, मम्मी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती मैं यहीं रहूंगी। धीरज टूर पे गए तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं। दवा या जो चीज की भी जरूरत है हम ला के देंगे। मुझे मालूम है तेरे दिमाग में क्या आ रहा है। कुछ लोग काम को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे भाई, सबका अलग अलग नेचर होता है, इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो और आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर। जन्मदिन मुबारक हो बिटिया। थैंक यू मम्मी। चलो, किसी को याद तो रहा कि आज मेरा जन्मदिन है।